के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। आदिवासी सेंगल अभियान के द्वारा इस बार राज्य के सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है। कदमा में आयोजित बैठक को आदिवासी सेंगल अभियान के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने संबोधित किया। बैठक में 2019 के विधानसभा चुनाव में राज्य के सभी 81 सीटों पर झारखंड दिशोम पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई। ठीक है, सब लोग सहमत है ना? ठीक है, तो मुझे लगता है हम लोग आज बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, झारखंड पांच प्रदेशों से आदिवासी सेंगल अभियान और झारखंड दिशोम पार्टी के पदाधिकारी आए हैं। हम लोगों ने दो तीन फैसले प्रमुख लिए हैं। एक कि अगली सरकार झारखंड में आदिवासी सेंगल अभियान और झारखंड दिशोम पार्टी की बनेगी, बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के सहयोग से। हम लोग 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और झारखंड दिशोम पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, उससे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जयलक्ष्मी नाट्य कला मंदिर द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर स्कूल मेहंदी रंगोली नृत्य और संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जयलक्ष्मी नाट्य कला मंदिर के सौजन्य से आयोजित अंतर स्कूल प्रतियोगिता में 5 राज्यों के 30 से ज्यादा स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में रंगोली बनाओ और मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्राणेश्वर शिवकाली गोस्वामी मंदिर में साईं बाबा का 9वां वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए भक्तों ने भाग लिया। दिन भर चलने वाले अनुष्ठान के बाद भक्तों ने भोग ग्रहण किया। प्राणेश्वर शिवकाली गोसाई मंदिर में बाबा का 9वां वार्षिक उत्सव प्रतिष्ठा दिवस मनाया जा रहा है काफ़ी धूमधाम से, और तमाम भक्तजन इस पूजा पाठ में सम्मिलित होते हैं और सुबह से पूजा पाठ, हुमन, बाबा का मध्यान्हकालीन आरती अभी करीब करीब समापन की ओर जा रहा है। उसके बाद समापन के बाद श्रद्धालु भोग प्रसाद भोजन करके, इस बाबा का एक महत्व है, जो भी मनस्कामना करते हैं मनोकामना पूरा होता है।